हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री। वे ऑफ सक्सेस, और आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री पर। और ये हमारा जो है ये क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी का जो चैप्टर 5 है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 11 है हमारा। इस वीडियो में हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों जानेंगे कि हीमोफीलिया या फिर ब्लीडर रोग क्या होता है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, पूछ लेता है कि उसमें हीमोफीलिया या फिर ब्लीडर रोग के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, हम लोग पूरा का पूरा नोट से जानने का प्रयास कर रहे हैं, नोट से ही आपको दे रहे हैं, और ऐसा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला। पूरा का पूरा टॉपिक कवर करें, जितना आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है उस सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, कोई भी एक भी यहाँ पर पॉइंट को हम लोग छोड़ नहीं रहे, ठीक ना। तो चलिए, आज हम लोग जानते हैं क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी चैप्टर 5 का हमारा अगला पार्ट है हमारा ये सीरीज। इसमें हम लोग जानेंगे हीमोफीलिया या फिर ब्लीडर रोग हमारा क्या होता है। तो देखते हैं हीमोफीलिया या फिर ब्लीडर रोग हमारा क्या होता है। तो इस रोग, यह एक ऐसा रोग होता है जिसके बाद 30 से 24 घंटे के अंदर व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। जी हाँ, इस रोग हमारा क्या होता है, इस रोग में अगर चोट लग जाए और चोट के लगने के बाद रक्त का बहाव बंद होने में लगभग 30 मिनट से लेकर 24 घंटे तक का समय लगता है अगर ये रोग हुआ है तो, जिसके कारण अत्यधिक स्राव हो जाने के कारण, इतना ज़्यादा इस रोग के होने के कारण व्यक्ति की ब्लड निकल जाती है कि उसकी मौत भी हो सकती है। सामान्य मनुष्य में चोट लगने से या फिर चोट लगने के 2 से 8 मिनट पश्चात रक्त का थक्का बन जाता है। इस रोग का पता सबसे पहले किसने लगाया था, तो हेल्डन ने को इंग्लैंड के राजघराने में पता चला था। तो आप लिख सकते हैं, तो इस रोग की खोज किसने किया था, तो इस रोग की खोज हेल्डन ने किया था। तो हेल्डन ने मेरे प्यारे दोस्तों किसकी खोज की थी, वो खोज किए थे हीमोफीलिया या फिर ब्लीडर रोग की। कहाँ से किए थे, तो इन्होंने इसकी खोज इंग्लैंड के एक राजघराने से किया था। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिए, ठीक है, हीमोफीलिया की खोज। और सर्वप्रथम इस कहां पर था, तो इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया का नाम तो सुना होगा ना, इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया की कुछ संतानों में इस रोग का जीन उपस्थित था। तो यह रोग कहाँ पे उपस्थित था, तो जो हीमोफीलिया पे ब्लीडर रोग जो पाया गया था, यह पाया गया था इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया के कुछ संतानों के जीन में यह रोग उपस्थित था। और कौन सा रोग उपस्थित था, वो था हमारा हीमोफीलिया या फिर ब्लीडर रोग, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं कि यह हमारा इसके द्वारा क्या क्या होती है, तो इसके द्वारा अनेक सारे समस्याएं सामने आते हैं, जैसे कि इस रोग के कारण या फिर इस रोग होने के कारण यदि व्यक्ति को चोट लग जाती है तो अगर यह रोग हुआ है और व्यक्ति को क्या लग गया, चोट लग गया, तो
रक्त का बहना, रक्त का बहना बंद होने में, होने में, होने में लगभग, लगभग 30 मिनट, 30 मिनट या 24 घंटे का समय लग सकता है, 24 घंटे का समय लग सकता है। अगर ये रोग हुआ है, अगर व्यक्ति को चोट लग गई तो कितना समय लगेगा रक्त को बहने बंद होने में, तो 30 मिनट। याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में आ गया था, आपके एग्ज़ाम में आया था कि हीमोफीलिया रोग के हो जाने पर अगर व्यक्ति को चोट लगती है तो खून के बंद होने में कम से कम कितना समय लगेगा, तो 30 मिनट, और अधिक से अधिक कितना समय लगेगा, तो लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों 24 घंटे का समय लगता है। हम लोग इसमें केवल और केवल जो एग्ज़ाम से रिलेटेड पॉइंट है इसी को डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। और हमारा क्या है, और हमारा यह है कि हीमोफीलिया विरोधी ग्लोबुलिन की अनुपस्थिति के कारण होता है। याद रखिएगा, यह किसके कारण होता है, तो यह हमारा अगर हम लिखेंगे, अगर देखिए कुल मिला के अगर बात करेंगे तो हीमोफीलिया दो प्रकार के होते हैं। लिखेंगे हीमोफीलिया दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते, और ये दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, ये दो प्रकार के कुछ इस प्रकार होते हैं। पहला होता है हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया ए, और दूसरा होता है हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया बी। तो हीमोफीलिया कितने प्रकार के, दो प्रकार की, एक हीमोफीलिया ए और एक हीमोफीलिया बी, ठीक है। अगर अब हम लोग यहाँ पर स्टार पॉइंट में कुछ निकालें तो हीमोफीलिया ए किसके कारण होता है और हीमोफीलिया बी किसके कारण होता है, तो यहाँ पे जो हीमोफीलिया ए होता है, हीमोफीलिया ए रोग होने का मुख्य कारण, होने का मुख्य कारण, हीमोफीलिया ए होने का मुख्य कारण यह हीमोफीलिया विरोधी ग्लोबुलिन की अनुपस्थिति के कारण होता है, कि अनुपस्थिति के कारण होता है, के कारण होता है। देखिए हम लोग इसी को डिस्कशन करेंगे जो कि आपको एग्जाम में आते हैं, पूरा का पूरा नहीं डिस्कशन करेंगे, ठीक ना। तो हीमोफीलिया कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक हीमोफीलिया ए और एक हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए किसके कारण होता है, तो हीमोफीलिया ए जो होता है वो हीमोफीलिया विरोधी ग्लोबुलिन के अनुपस्थिति के कारण ही हमारा हीमोफीलिया ए हमारा उत्पत्ति होता है। अब आता है हीमोफीलिया बी, तो यहाँ पर लिखेंगे हीमोफीलिया बी के रोग की उत्पत्ति, के रोग की उत्पत्ति उत्पत्ति का कारण, का कारण कारण जो होता है वो होता है रक्त में प्लाज्मा, रक्त के प्लाज्मा में, आप ऐसे लिख सकते होने कारण रक्त के प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लास्टिन
थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी के कारण होता है, की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो हीमोफीलिया जो बी है, इस रोग की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या होता है? तो इस रोग की उत्पत्ति का जो मुख्य कारण यह होता है कि रक्त में, रक्त के प्लाज्मा में जो हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी के कारण हमारा हीमोफीलिया बी होता है। और हीमोफीलिया रोग में रक्ताधान द्वारा रक्त की कमी को पूरा करता है। तो याद रखिएगा कि हीमोफीलिया कितने प्रकार के? दो प्रकार की, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। क्योंकि हीमोफीलिया से यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक ना। इसमें हम लोग ने क्लास जो 5 है हमारा बायोलॉजी का, क्लास 12th के चैप्टर 5 का, इसमें हमारा हीमोफीलिया रोग थोड़ा सा दिया है, लेकिन यहाँ से हमारा सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न उठते हैं। क्या उठते हैं? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जहाँ से उठते हैं, मैंने इस पॉइंट को पूरा यहाँ पे जोड़ के आपको समझा दिया है, और ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, और किताब में भी एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। और आपको दोस्तों पूरा का पूरा सिलेबस आपको बायोलॉजी क्लास 12th का अपलोड किया जा रहा है, एस के मिश्री के साथ जुड़े रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।